कार्यक्रम आयोजित किया गया है, किस तरीके से हस्तशिल्प के मामले में एक नया माइलस्टोन तय करेगा? जी सर। लो सर, जिस तरीके से हस्तशिल्प के क्षेत्र में ये EPCH के द्वारा अवार्ड सेरेमनी का आयोजन किया गया है, किस तरीके से हस्तशिल्प को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा? देखिए, अवार्ड जो होता है ना जी, लोगों में एक प्रेरणा देती है जी कि हम इस अवार्ड को लेंगे। अवार्ड को लेने के लिए कई तरह के काम करने पड़ते हैं, एक्सपोर्ट को बढ़ाना पड़ता है, उनके कार्य क्षमता को बढ़ना पड़ता है, और इससे एक हेल्दी कंपटीशन होता है। मैं इसके लिए दिलीप जी के साथ साथ राकेश जी सहित तमाम लोगों को धन्यवाद दूंगा, और ये अभी पूरा आसमां बाकी है बिल्कुल उड़ने के लिए। हम अभी उस ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाए हैं। दुनिया में हमारा शेयर $50 बिलियन से ऊपर का है, हम अभी कुछ हजार में, 33,000 में पहुंचे हैं जी। इसे और ऊंचाई पर ले जाने की ज़रूरत है। 25,000 से ज़्यादा प्रोडक्ट है जी। उन प्रोडक्ट पे काम करना है। कई ऐसे देश हैं जहां हम नहीं पहुंच पाए हैं, वहां जाना है, और मुझे पूरा उम्मीद है कि आने वाले दिन में EPCH वहां तक पहुंचे। अवार्डीज को क्या संदेश देना चाहेंगे सर अंत में? अवार्डी को मैं संदेश यही देना चाहूँगा, तुम और ऊंचाई पर जाओ। जितना उन्होंने काम किया है और काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री ने कहा है तीसरी टर्म में 3 गुना काम करेंगे, तो अवार्डी को भी 3 गुना काम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ केंद्रीय वस्त्र मंत्री यहाँ पर मौजूद थे, जिनसे हमने बातचीत की, और EPCH के द्वारा जो एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, इसके लिए उन्होंने तमाम अवार्डीज को शुभकामनाएं भी प्रेषित की, और वहीं कहीं ना कहीं दिलीप बैद जी और राकेश जी समेत तमाम आयोजकों को भी अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की। आप देख रहे हैं 10 न्यूज़ नेटवर्क, मैं हूँ आपके साथ ही मांशु शर्मा।